हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट से। सभी स्टूडेंट्स एमपी वाले, ये वीडियो एमपी वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने भी एमपी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है उन सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पेपर है जीएनएसटी 2013 का पेपर है, आप देख सकते हो जीएनएसटी 2013 का पेपर है। इसकी जूलॉजी करने वाले हैं आज हम। इसमें क्या करेंगे, जूलॉजी को सॉल्व करेंगे, बाकी फिर बाद में दूसरे वीडियो में अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 10 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 मिनट में आपके पूरे 30 क्वेश्चन में फटाफट से करवा दूंगा बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो फटाफट से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जूलॉजी का, ठीक है। क्योंकि जिसने भी एमपी का फॉर्म भरा है ना, उन सबको सेंड जरूर करना है। जिन्होंने भी एमपी के लिए फॉर्म भरा है, एमपी नर्सिंग के लिए यानी कि जीएनएसटी पीएनएसटी के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए शेयर जरूर करना फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इनके आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसा वीडियो जहाँ आपको आंसर मिलेंगे, बाकी सभी जगह शेयर करना आपका काम है, तो शेयर जरूर करना, ठीक है। दीप नाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया, यानी कि हु वाज प्रपोज्ड बाय नोमल नोमेनक्लेचर, किसने दिया था, तो ये दिया था टीएनएस ने। फटाफट से करवाता हूँ मैं, आगे चलते हैं। इंग्लिश में आप पढ़ लेना, हिंदी में पढ़ के मैं आगे करवाता जाता हूँ। संकरण करने वाले जंतु निम्न में से एक ही होंगे, यानी कि इन ब्रीडिंग एनिमल्स बिलोंग टू द सेम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्पीसीज। कोर्स वेटस थे जैव रासायनिक विकास में बने कोलाइडी प्रणाली तंत्र, यानी कि कोलाइडल सिस्टम फॉर्मर ड्यूरिंग द बायोकेमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। ये चैनल आपके लिए हर तरह से हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप नर्सिंग कहीं से भी, कोई से भी स्टेट से कर रहे हो, कहाँ से भी कर रहे हो, आपके लिए हर तरह से हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि आरएचएस में इसने बहुत अच्छा दबाका किया, इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, साथ जुड़े रहे थे सबसे। आप पूछ सकते हो कमेंट में बॉक्स में, आपको सबको मिल जाएगा उनके, ठीक है। आप किससे पूछ सकते हो यदि आप किसी से कॉन्टैक्ट में हो तो, ठीक है। और दूसरी बात, बीएचयू नर्सिंग में भी यही रहा था। और दूसरी बात मैं बता दूँ, बीएचयू के लिए सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है इस चैनल पर, ठीक है। बहुत जल्द क्लास है वापस, बीएचयू नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दोबारा स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएचयू बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, एमसीबीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ, जुड़े रहिए, बस उनको बता दिए बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन है, अपना मानव के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नीदरथल, क्रोमेगन और होमोसेपेंस, ये बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें केवल एक पोसी है, तो निम्न में से किसमें केवल एक पोसी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन होस्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर एंड अमीबा एस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंड अमीबा एस्टोलिटिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीशमानिया डोनोवनी से होता है, तो कौन सा रोग होता है, जो लीशमानिया डोनोवनाई है उससे कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा बिल्कुल राइट, काला आजार रोग होता है। कौन सा आता है, काला आजार रोग होता है, किससे, लीशमानिया डोनोवनाई से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में डिंब का आकार कितना होता है, यानी कि जो ओम होता है, अंडा होता है, उसका आकार कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 से 2 mm, कितना होता है, 1 से 2 mm होता है किसका, डिंब का आकार, अंडे का ओम का आकार, ठीक है। सभी वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेक इन प्रोड्यूस एज, तो जो लाख होती है निम्न तरह बनता है, तो किससे बनता है, शरीर के स्राव से, शरीर के दिक् रिसाव से, या शरीर का द्वारा उत्सर्जन से, या लाख कीट का मल से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चनों के आंसर भी साथ के साथ लिखते जाना, क्योंकि आंसर आपको आंसर कहीं नहीं मिलेंगे इनके आंसर, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शरीर के स्राव से, कहाँ से होते हैं, शरीर के स्राव से लाख प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मोती बनाने वाली मोलस्क प्रजाति है, तो मोती बनाने वाली मोलस्क प्रजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर पिंक टाडा वल्गेरिस क्या है, मोती बनाने वाली मोलस्क प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, बहुत छोटी कृषि भूमि पर अधिक खेती तथा अतिचारण का निम्न प्रभाव होता है, तो क्या होता है, बहुत छोटी कृषि भूमि पर अधिक खेती तथा अतिचारण का निम्न प्रभाव होता है, कौन सा वो प्रभाव होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन होता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर
4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मरुस्थलीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि किसी को कोई डाउट नट, बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नट ऐप पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर इस क्वेश्चन में डाउट था, तो इसको दोबारा से करवाइए, तो मैं दोबारा से करवा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे अकेले देश का नाम बताइए जहाँ बाघ, पैंथरा टाइग्रस और शेर यानी कि पैंथरा लियो दोनों पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, बाघ को क्या बोला जाता है, पैंथरा टाइग्रस बोला जाता है, और शेर को क्या बोला जाता है, पैंथरा लियो बोला जाता है। तो वो देश कौन सा है, वो है भारत, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पाई जाने वाली अकेली जहरीली मछली निम्न में से है, तो बताइए दुनिया में पाई जाने वाली, सॉरी मछली नहीं छिपकली, दुनिया में पाई जाने वाली अकेली जहरीली छिपकली निम्न है तो कौन सी है, तो सभी जानते हैं उसको, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, हीलोडर्मा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हीलोडर्मा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता की श्रेणी में आता है, यानी कि सार्वत्रिक दाता की श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओ, यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सार्वत्रिक दाता की श्रेणी में आता है। ओ में से भी पूछा जाएगा ओ में से कौन सा ओ, तो ओ नेगेटिव सार्वत्रिक दाता की श्रेणी में आता है, और सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है, वो होता है एबी पॉजिटिव, तो एबी पॉजिटिव में भी कौन, सॉरी एबी में भी कौन सा, एबी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान मानव जनसंख्या की वृद्धि निम्न दर, वृद्धि की दर निम्न है तो कितनी है, वर्तमान में जो मानव जनसंख्या है उसकी वृद्धि की दर कितनी है, तो वो है 1.1%, लेकिन अप्रोक्स इसे माना जाता है 2%, कितनी माना जाता है, अप्रोक्स 2% माना जाता है। ठीक है, सभी वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सारे जितने फ्रेंड्स हैं सब में जरूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप उनमें शेयर करोगे और इसमें अच्छे व्यू आएंगे, कम से कम 100+ लाइक आने चाहिए इस वीडियो में, 100+ लाइक आएंगे तभी आगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा मैं, इतना जैसे RHS और BHU के लिए मैंने करवाया था उससे भी ज़्यादा मैं धमाका करने वाला हूँ इस MBBS नर्सिंग के लिए। लेकिन आपकी बस शर्त इतनी है कि 100 लाइक इस वीडियो पर चाहिए मेरे को, आज किसी भी हालत में इस पर 100 लाइक आने चाहिए। जो भी MP वाले हैं, MP नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, वो ध्यान से सुन लेना, 100 लाइक आएगी तो आपकी कल क्लास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी क्लास। ठीक है, जनसंख्या में प्राणियों की संख्या निम्न से बढ़ती है, तो किससे बढ़ती है, यानी कि जनसंख्या में प्राणियों की संख्या निम्न से बढ़ती है, किससे बढ़ती है, आप्रवासन से और जनन से, जन्म से, इन दोनों से क्या होती है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, A और B बिल्कुल राइट। गुणसूत्रों के पूर्ण समुच्चय की उपस्थिति को कहते हैं, तो क्या बोला जाता है गुणसूत्रों के पूर्ण समुच्चय की उपस्थिति को, तो उसको बोला जाता है दोस्तों यूप्लोइडी, क्या बोला जाता है, यूप्लोइडी बोला जाता है। ठीक है, सभी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर करो वीडियो को। ठीक है, हानिकारक रसायनों के खाद्य श्रृंखला में प्रवेश तथा हर स्तर पर मात्रा वृद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं इसे, यानी कि जो हानिकारक रसायनों के खाद्य श्रृंखला में प्रवेश तथा हर स्तर पर मात्रा वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वक्र की प्रक्रियात्मक इकाई है, यानी कि जो रीनल किडनी होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो होती है ऑप्शन नंबर 1 नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग टाइम कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग टाइम कितना होता है, सामान्यतः रक्त थक्का जमता है, तो कितने पे जमता है दोस्तों, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, एक भी सही नहीं है इसमें, इसका नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग का टाइम होता है 10 से 14 सेकंड, याद रखना 10 से 14 सेकंड में आपका नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग होता है, जबकि जो ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल सारे के सारे गलत है, इन पर फोकस नहीं करना आपको। ठीक है, 10 से 14 सेकंड होता है ब्लड क्लोटिंग का टाइम। फेफड़ों के आवरण को कहते हैं, तो जो फेफड़ों का आवरण होता है, कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड, तो इसे बोला जाता है दोस्तों प्लूरा, क्या बोला जाता है, प्लूरा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में पक्षमापी उपकला पाई जाती है, यानी कि जो इन अवर बॉडी सिलेटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन, तो किसमें पाई जाती है, तो सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 ट्रेक, यानी कि सांस नली में पक्षमापी उपकला पाई जाती है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन बटन ऑन कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास आएगी सबसे पहले आपको पता लग जाएगा। ठीक है, रोम पुटक उपस्थित होते हैं यानी कि जो हेयर फोलिकल आर स्टिमुलेट सिचुएटेड इन द, किस में पाए जाते हैं बताइए, हेयर फोलिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट एपिडर्मिस में, यानी कि जो मेमेलेंस की जो स्किन होती है स्किन पर क्या पाए जाते हैं, रोम पुटक पाए जाते हैं। और किस कौन सी लेयर में पाए जाते हैं, केंस लेयर में, तो आउटर लेयर होती है जो स्किन की उसको बोला जाता है एपिडर्मिस, उसमें क्या पाए जाते हैं, रोम पुटक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन निम्न से स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन का सिक्रेटर किसके द्वारा होता है बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन सिक्रेटेड किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड निम्न में के नियंत्रण में होती है, तो बताइए जो पिट्यूटरी पीयूष ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, किसके नियंत्रण में होती है, तो होती है हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। ठीक है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा। निम्न मूत्र की मात्रा में निम्न से नियंत्रित होती है, यानी कि जो मूत्र होता है यूरिन होता है, यूरिन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, उसकी वॉल्यूम किसके द्वारा कंट्रोल होती है, होती है ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ADH की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होती है, जिसके द्वारा यूरिन की मात्रा नियंत्रित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है, तो बड़ी आंत का द मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंस्टेंटाइन, यानी कि मुख्य कार्य कौन सा है बड़ी आंत का, तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर, बताओ कौन सा होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड, जल का अवशोषण करती है और टॉर्स व्यर्थ सामग्री को हटाती है, यानी कि जल का अवशोषण करती है और टॉर्स व्यर्थ सामग्री को हटाती है, कौन, बड़ी आंत। ठीक है, जबकि पाचन का जो वो तो किसका हो जाता है, वो हो जाता है स्टोमक वगैरह छोटे आंत वगैरह का काम क्या होता है, पाचन वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, फोरामेन मैग्नम निम्न में से पाए जाने वाला छिद्र है, यानी कि जो फोरामेन मैग्नम निम्न में पाए जाने वाला छिद्र है, तो किस में पाए जाने वाला छिद्र है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कूल ऑफ रैबिट यानी कि खरगोश की खोपड़ी में पाया जाता है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में कितने सर्वाइकल कशेरुकाएं पाई जाती है, यानी कि हाउ मैनी सर्वाइकल वर्टिब्रे आर फाउंड इन मैमल्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4D, यानी कि 7 पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 7 पाई जाती है, कितने मैमल्स, कितनी सर्वाइकल कशेरुकाएं पाई जाती है, 7 कशेरुकाएं पाई जाती है। डेफिनेंसी ऑफ विटामिन के लेड ऑफ, यानी कि विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है सभी जानते हो, इसका राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, सभी जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो और इसका आंसर बता दो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रक्त का थक्का न बनना, यानी कि फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न सूक्ष्म मात्रिक तत्व दांतों के रख रखाव में अहम भूमिका निभाता है, तो कौन सा तत्व है जो अहम भूमिका निभाता है, यानी कि फॉलोइंग ट्रैक एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द टीथ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करके बताओगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड कॉपर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, और इसमें 100 लाइक आने चाहिए कैसे भी करके, 100 लाइक का टारगेट है, 100 लाइक आ जाएंगे तो कल पक्की इससे भी अच्छी क्लास लेके आऊँगा मैं आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।